नमस्कार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषणा संबंधी निदेशक महोदय का महत्वपूर्ण आदेश इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे भविष्य में समस्त अपडेट आपको मिल सके। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक महत्वपूर्ण आदेश जिसके विषय में देख सकते हैं, लोकसभा आम चुनाव 2024 मतदान कार्य हेतु शिक्षक गणों को मतदान दलों में लगाए जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित कराने बाबत। उपरोक्त विषय अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव दो चरणों में फेज वन और फेज टू में संपादित किए जाने हैं। फेज वन में और फेज टू में दिनांक 19/4/2024 और 26/4/2024 निर्धारित की गई है। अब प्रासंगिक जो क्रम में है, जिन विद्यालयों में मतदान दलों के रुकने और मतदान संबंधी कार्य संपन्न किया जाना है, उनमें फेज वन के लिए 18 और 19 अप्रैल 2024, जबकि फेज टू में 25 और 26 अप्रैल 2024 को अवकाश घोषित करने हेतु आपको अधिकृत किया गया है। तो समस्त जिला कलेक्टर्स को अधिकृत कर दिया गया है कि मतदान दल जहां रुकेंगे वहां पर एक दिन पूर्व भी अवकाश रहेगा। तो जिन जिन स्कूलों में मतदान होना है उनमें एक दिन पूर्व भी अवकाश रहेगा, महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा कोई नई अपडेट होती है तो जल्द ही चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।